जय ठाकुर वेलकम यू टू क्रैक एंड आज हम वापस से आए हैं आपके साथ ज्योग्राफी सर्विस कनेक्ट करने एंड आज का जो हमारा टॉपिक है द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज द अफ्रीका तो चलिए आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगे अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो लेट्स स्टार्ट विदर बिकॉज इतने ज्यादा हमें पॉइंट्स इसमें देखने को नहीं मिलते बट फिर भी विल बी कम्प्लीटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो so, सबसे पहली बात अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया जो है अफ्रीका के सबसे बड़े लार्जेस्ट कंट्री है नाइजेरिया बाय पॉपुलेशन है एंड अगर बात करें अफ्रीका की तो एशिया के बाद सेकेंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है बाय द साइज दैट इज आर अफ्रीका फर्स्ट पे है हमारे पास एशिया सेकेंड पे वी आर हैविंग आर अफ्रीका एंड ऑलरेडी थर्ड पे हम जा चुके हैं विद नॉर्थ अमेरिका करेक्ट अफ्रीका इज द ऑनली कॉन्टिनेंट जहां से इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो हमारे तीन मेन लैड है तीनों के तीनों इससे पास करते हैं सो दिस इज द ऑनली कॉन्टिनेंट जहां से ये तीनों इंपॉर्टेंट इसको क्रॉस करते हैं so, okay. so, we'll saying, कि क्या वेस्ट पे है क्या राइट पे है सो ई एज यूरोप एंड जो यूरोप से सेपरेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिटी बाय द 163 एशिया ग्रीन विच मैन पास देशन पार्ट ऑफ द अट इज ऑनलीट वी आर जीरो डिग्रीड मीन वी आर आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइन मैरिडन और वी कैन से द ग्रीन विच मैरिडेन ठीक है तो एक ही लौता कॉन्टिनेंट ऐसा जहां से मतलब जो हमारा जीरो डिग्री लैटिट्यूड और जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जहां मीट uh, करते हैं दैट इज दस अफ्रीका अगर जगह की बात करें दैट इज आर द गल्फ ऑफ ग्यूनिया करेक्ट सो दीज आर सम ऑफ़ द फैक्ट्स रिलेटेड टू अफ्रीका ओनली डन नाउ अगर बात करें टोटल एरिया थ्री जीरो डबल थ्री जीरो एंड ट्रिपल जीरो स्वयर किलोमीटर बाय द अफ्रीका स्टैंड एज द सेटिनेट जैसे मैंने आपको भी बताया सिक्स परसेंट ऑफ द प्लान टोटल सरफेस एंड ट्वेंटी पॉइंट फाइव फोर इज द लैंड मार्क्स मीनस अगर हंड्रेड परसेंट लैंडमार्क है तो उसमें से ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट लैंडमार्क किसके पास है दैट इज विद द अफ्रीका दट सो दिस इज द थिंग Okay. Now, भी आपके स्क्रीन पे ये टेबल दिखाई सो दीज आर कंट्रीज देखने को मिलती है कुछ आपने से भी होंगी कुछ नहीं सुनी होगी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट जाके वर्ल्ड मैप खोलिए अपने कॉन्टिनेंट खोलिए नो अबाउट ईच एंड एवरी कंट्री फिर भी चलिए कुछ कंट्रीज देखते हैं तो अल्जीरिया अंगोला बेनिन बोत्सवाना बुर्किना फासो बुरुरून केवर्थ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चार्ड कॉमर कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दे इजिप्ट इक्विटोरियलिया अट्रिया घनाबिक नाइजेरिया रोआटा फिर इसी तरह से लाइबेरिया मेरा गास्कर माली मॉरिटाना मॉरिशियस मोरको मोजांबिक ये सारी की सारी हमारी कुछ कंट्रीज हैं जो कि हमारे अफ्रीका में देखने को मिलती है करेक्ट सो चलिए लेटार्ट आर द फिजिकल फीचर तो अगर आप देखेंगे so yes, Africa, ये वाला पार्ट द नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका दिस वन पूरे उस पे जो ये वाला पोर्शन है जो हमारा बेसिकली नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका पे ध्यान रखिएगा दैट इज दॉन ऑफ अफ्रीका दैट इज अर्थ ईस्ट अफ्रीका और जो ये वाला पोर्शन है अंदर वाला दैट इज द ईस्ट अफ्रीका करेक्ट देन यू आर है सेंट्रल अफ्रीका दिस इज देंट्रल अफ्रीका एंड दिस इज द सर्दर्न अफ्रीका एंड ये जो रािस इज द वेस्टर्न सो मीन वन देन दिस वन इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव ठीक है And ये जो रहा बचा एक दैट सिक्स तो छह पांच में डिवाइड है हमारे फिजिकल फीचर्स नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा जो पोर्शन है वो ऐसे कंट्रीज मिलके जो है पर्टिकुलरली

अफ्रीका करेक्ट पार्ट यू कैन सी ऑल दिस इन द मैप करेक्ट चलिए नॉन एक्स्ट इज दॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को आप ध्यान रखेंगे हॉन ऑफ अफ्रीका करेक्ट सो यस दिस इज द रीजन दिस इज सोमालिया दिस इज दि जीपूती

So these are the countries which combinedly make our what that is the Eastern Africa part of our continent. Similarly, we are talking about the Central Africa. So this is the Angola. Then we are having the Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon, and South Tome and The principal. So this is the whole part hai, that is under what that is the Central Africa. Correct. All countries' A little You just need a, that idea. Correct. So see up.

वेस्टर्न अफ्रीका पार्टन सो दे कम्बाइंडली मेक दीज पर्टिकुलर पार्ट सो दीज वॉर दर डिविजन की कौन सा वेस्टर्न अफ्रीका में पार्ट है कौन सा नॉर्दर्न अफ्रीका में है कौन सा सेंट्रल अफ्रीका में नॉट इज द टर्म फॉर द

ग्रेट कारू दिस इज द सेमी डिजर्ट रीजन सिमिलरलीपर एग्री तिब्बती मासन वी गोट ए एन एडी प्लेट्यू दिस इज द इथोपियन प्लेट्यू इथोपियन हाईलैंड किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं

नाउ सिमिलरली जब माउंटेन रेंजेस देखिए हमेशा याद रखिएगा जो वर्ल्डी जो जो में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिम ऑन द लोकेशन लाइक आपसे पूछा जा सकता है एटलेस माउंटेन रुविजोरी माउंट एलगोन तिबस्ती अगार्ड ब्रिकिस्बर्ग माउंट केनिया के लिए मंजारो सी दीज आर समाउटेन्स विच वी गेट हेयर करेक्ट सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैस इज दाउं रुविन

सो बेसिकली आर द द सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्या ये इम्पोर्टेंट हमारे पास रहते हैं जो हमें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं सो नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द डेजर्ट सहारा डेजर्ट नामी डेजर्ट कालाहारी डेजर्ट एंड द न्यूबियन डेजर्ट सो दी ऑल आर इन द दैट इज इन द अफ्रीका डेजर्ट so, लार्जेस्ट है ट्यूराक ट्राइब्स हमें यहाँ देखने को मिलती है सिमिलरली नामीब डेजर्ट्स की बात करें ट्राइब देन कलाहारी न्यूमिबियन डेजर्ट दट इज सपरेटेड बाई लिबियन डेजर्ट बाई द नाइल रिवर एंड द रॉक डेजर्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो यस सी यहाँ पे आपको सारे के सारे मेन्शन रहेंगे Uh, let's start with okay atlantic coastal desert lampole desert take a ten desert ten desert tin toma desert durab desert take okay? a white desert then we called as the blue desert then we got a Namibian desert correct then dankali desert then guban desert shabi desert nairi desert so the point is up this is the libyan desert just see डेजर्ट डेजर्ट एंड दिस दिस आप सबको पता सहारा करेक्ट सके सिमिलरली आपको नीचे देखने को मिलेगा कालाहारी दिस इज द कालाहारी डेजर्ट एंड एक नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था दैट इज द ग्रेट कारू तो बिल्कुल सर्दन टिप पे देखो ग्रेट कारू देन वी गॉट अ नामी डेजर्ट देखो वेस्टर्न साइड पे ठीक है सो दीज आर सम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स विच वी गेट इन द केस ऑफ द अफ्रीका देन रिवर नाइट दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ड वी ऑल नो इट स्टार्ट फ्रॉम मेनी स्ट्रीम दरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया एंड रविजोरी माउंटेन्स द माउंटेन्स ऑफ द मून रीजन सो दिस इज वन मोरफेट रविजोरी माउंटेन्स को माउंटेन ऑफ द मून भी कहा जाता है नेक्स्ट इज द रिवर कॉन्गोर जैरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है साउथ वेस्ट ऑफ लेकानिका से यह स्टार्ट करती है अटलांटिक ओशियन के अंदर फाइनली फ्लो

कॉन्गो रिवर देखो दो बार कट करेगी ठीक है लेक एलबर्ट देन ब्लू नाइल रिवर व्हाइट नाइल रिवर लेक विक्टोरिया लेकानिका लेक न्यासा जम्बेजी लिंपोपो ऑरेंज सो दीज आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट रिवर्स विच वी गॉट तो आपको ये नेम्स जरूर पता होना चाहिए कि रशिया में कौन से रिवर्स है एशिया में कौन से रिवर्स हैं अफ्रीका में कौन से रिवर्स है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स करेक्ट Now, next is the lakes of Africa. So Lake Victoria, second largest freshwater lake in the world. Equator uh, passes through it. It is the source of the White Nile. Lake Tana is on the Ethiopian plateau. It is the source of the Blue Nile. Lake Chad, southern edge of the Sahara Desert, region of inland drainage. Streams start from the surrounding hills and flow into the lake instead of the sea. So Lake Victoria, Lake Tana, Lake Chad. So these are the important lakes. Correct. other lakes can just see this is the Lake Chad, Lake Albert.

निया मसाई केनिया एन तंजानिया एन जबे तनजानिया करेक्ट सो दॉज ऑल विदेंट अप्रीका लेकिन एक चीज इसमें जब बात आई कि साहेल रीजन में कौन कौन सा हमें एरिया देख रहे हैं सो बेसिकली so yes, so ये क्या है कि एक चेंज है सहारा डेजर्ट से होते हुए दूसरे क्लाइमेट में जाना डन सो सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ एंड सुडानियन सवाना टू द साउथ दिस इज दिल चेंज है ठीक है साहेल रीजन है कौन कौन से आती है मोरिटाना माली बुरकेना फासो नाइजर नाइजीरिया चार्ज सुडान टूरिटेरिया नॉर्मली बुरकेना फासो ही इस रीजन को हेड करता है करेक्ट सो दैट इज विद द साहेल रीजन तो देखिए मोरिटाना सेनेगल माली नाइजर चार्ज सुडान नाइजीरिया एंड द फासो रीजन। so हमने हमने कुछ कुछ लेक्स डिस्कस डिस्कस किए, की, so 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 जै एक स एक्सपिरेंट है और एस एस बी इंटरव्यू एनडीए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं